जय श्री राम। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। श्री रामचंद्र जी की कृपा होनी चाहिए। अच्छा, 19 तारीख को गणेश जी आ रहे हैं, सब लोग लेके आना अपने घर में। खूब चौक पूरना, कलश सजाना, चौकी सजाना, फिर गणेश जी को बिठालना। खूब रोज पकवान बना के खिलाना उनको, नए नए लड्डुओं का तो भोग लगता है। लड्डुओं के साथ साथ गुड़ का भी भोग लगाना, मोदक का भोग लगता है, मोदक बना के भोग लगाना। गणेश जी सबके घर में खुशियां लेके आएंगे। मैं कुछ ना कुछ बताती हूँ हर वीडियो में, तो ये सब करना, लेके आना, सब लोग बिठालना अपने अपने घरों में। अच्छा, उस दिन ना दो दोहे छूट गए थे मेरे से, गलती से दो दोहे छूट गए थे, तो वो दो दोहे आज मैं डालूंगी, 80 से लेके 82 तक। मैंने उस दिन 82 से लेके 85 तक डाले थे दोहे, तो ये दो दोहे छूट गए थे, तो दो दोहे आज मैं डाल रही हूँ। वनवास का दिन चल रहा है, तो वो आवाज पढ़ेंगे। थोड़ा कीर्तन है, कीर्तन के बिना कुछ नहीं होता, पढ़ा नहीं जाता जरा भी। श्री राम जी आइए, सुनिए, सुनाइए सबको, कृपा कीजिए सबके ऊपर। गणेश जी आइए, सब भगवान योग मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी आइए, विराजमान होइए। जय श्री राम। हनुमान जी के बिना राम कथा नहीं होती है। जहां जहां कथा होती है वहां श्री रामचंद्र जी जरूर आते हैं, श्री हनुमान जी जरूर आते हैं। जय श्री राम। थोड़ा कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 राम, हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे, थोड़ा सा कीर्तन किया है मैंने। जय श्री राम। सोर था वो दोहा नंबर 80, मैं रिपीट कर दूं जिससे कि याद आ जाए। मात सकल मोरे मेरे हैं, जेह ना हो दुख दीन, सोई उपाओ तुम करे सब, जन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। चौपाई। ए बिन राम से बही समझावा, गुरपद पद मोहर सुसिर नावा, गणपति गौरी गिरी शुभ मनाई, चले आशीष पाई रघु राई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलते अति भयउ बिसाधु, सुन न जाई पुरे आरत नादु, कुस गुन लंक अबधि अति सोकु, हरस बिसाध बिबस सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी बिसात हो गया, नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता, लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। शोक छाने वाली बात है ना, जब घर से कोई एक जन चला जाए तो कितना सूना हो जाता है घर, बहुत सूना हो जाता है। ये सभी लोग चले गए वहां से, अयोध्या से तो तीन गए हैं, श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मतलब खुशी तो ये थी कि चलो
अब राक्षसों का विनाश होगा, लेकिन दुख भी था कि अयोध्यावासियों के शोक के कारण। गई मोरे छातब भूपति जागे, बोले सो मंत्र कहने से लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागे रहते तने माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम बन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं। मतलब राम जी जो चले गए पर लेकिन मेरे प्राण नहीं निकल रहे शरीर से। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुखों को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। दोहा, सोठे सुकुमार कुमार दो, जनक सोता सुकुमार, रथ चढ़ाई देख लाई बनो, फिर उगए दिन चारे। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट लेके आना। ये बोल रहे होंगे 4 दिन बाद लौट आना दिखा के। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संद दरण व्रत रघुराई, तो तुम दिन करे कर जोरी, फेरी प्रभु मिथ ले किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कान ने देखी डेराई, कहो मोर सिक अवसर पाई, सास ससुर अस कहो संदेशु, पुत्र फिरई बने बहुत कलेशु। वन सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे पास तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितु ग्रह कबहु ससुर सुरारी, रहो जहां रुचि होई तुम्हारी, ए बिन करे उपाय कदंबा, फिर ही तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना, इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आती हैं तो मेरे प्राण सहारा बन जाएंगे। नाहित तो मोरे मरन पर नामा, कछु न बसाई भए बिदे बामा, अज कहे मोरे छे परा मही राहू, राम लखन सिए आने देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता, हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई राजा यसु नाई सिरू
शुक्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तो हम आ गए 82 पर और 82 से लेके 85 तक डल चुकी है। तो अब हम जब कल पढ़ेंगे तो मैं 85 से पढ़ूंगी, ठीक है। एक वीडियो डल चुकी है तो ये जो छूट गई थी वो मैंने आज कर दी, थोड़ी कीर्तन हो जाए लास्ट में भी, कीर्तन के बिना समाप्त नहीं करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। सबको प्रणाम, रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरी हाथ जोड़ के सबसे बेहतरीन है। जय श्री राम।